ब्लैक मनी के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलने वाले बाबा रामदेव अब खुद एक बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। रामदेव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बीजेपी के एक नेता के साथ ब्लैक मनी पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वाकया राजस्थान के अलवर में पिछले दिनों हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। सभा में बाबा रामदेव और अलवर से बीजेपी के प्रत्याशी चांदनाथ मंच पर साथ मौजूद थे। उसी दौरान चांदनाथ ने बाबा से फुसफुसाकर कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र में पैसों के लेन देन में बड़ी मुश्किल होती है। ये सुनकर रामदेव सकपका गए और चांदनाथ को हाथ मारते हुए कहा कि यहां ऐसी बातें मत करो, बावले हो क्या। इस दौरान रामदेव ने मंच पर लगे कैमरों और माइक की तरफ इशारा करते हुए चांदनाथ को चुप रहने को कहा। रामदेव का इशारा समझकर चांदनाथ भी फौरन चुप हो गए, लेकिन दोनों के बीच हुई बातचीत वहां लगे टीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। अच्छा, किसी ने कहीं से है पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गए। अच्छा, किसी ने कहीं से है पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गए। अच्छा, किसी ने कहीं से है पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गए। बात करो, बोले हो क्या?